सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, माय नेम इज जेराड एंड यू आर वाचिंग जेराड गोम्स। भाई बहुत दिनों से मैं कार का रिव्यू ये से भी ला रहा हूँ, बट आज बहुत दिनों के बाद आई एम हियर एट कारोमेटिक। एंड आज कारोमेटिक पे बहुत एक स्पेशल गाड़ी भी है, वो है द 2024 हुंडई i20 एन लाइन, जो कि अभी फेसलिफ्ट हुआ था i20 एन लाइन का। और ये जो वेरियंट है, दिस इज द N6 मैनुअल वेरियंट। सो मैनुअल है भाई, तो मैनुअल का मजा ही अलग है, जो लोग चलाते हो उन लोगों को मालूम है। सो आज इस गाड़ी में बहुत कुछ काम हुआ है गाइस। आप लोगों को लगेगा कि भाई इनलाइन में क्या क्या काम हो सकता है, बट डोंट वरी गाइस, ये इनलाइन में बहुत सारा काम हुआ है और बहुत मतलब क्या बोलूँ, नीडफुल मॉडिफिकेशंस भी हुआ है, मतलब एक्सेसरीज लगा है। तो क्या क्या लगा है वो तो चंदोचूर है, आप लोगों को डिटेल में बता देंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको कारोमेटिक पे कॉन्टैक्ट करना है, कारोमेटिक का नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, कारोमेटिक का लोकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। एंड अगर आपको और भी ऐसे कार मॉडिफिकेशन का वीडियो देखना है, देन जरूर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री। सो और वेट नहीं करते हैं गाइस, चंदोचूर के साथ 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो गाइज हियर वी हैव द मेन मैन ऑफ कारोमेटिक, वी हैव चंदोचूर लश्कर ओवर हियर। सो चंदोचूर कैसे हो भाई, बहुत दिनों बाद यहाँ पर वीडियो हो रहा है। बहुत दिनों बाद। सो चंदोचूर आज तो बहुत एक स्पेशल गाड़ी है भाई, तुम्हारा खुद का ही, मतलब खुद का नहीं, मतलब तुम तो यूज करते हो इनलाइन। सो ये भाई ये तो N6 वेरियंट है शायद, ये N6 मैनुअल है। N6 मैनुअल, सो या IMT यूजर ओवर हियर एंड मैनुअल ओवर देयर। सो एनीवे चंदोचूर, थोड़ा मतलब अभी शॉर्ट में दर्शकों को बता दो इसमें क्या क्या काम हुआ है भाई। दिस इज N6 वेरिएंट, तो इसमें तुम्हारा हेडलाइट LED हुआ है, फॉग लाइट LED हुआ है, ML लाइट हुआ है, K4 10 वाला लूमर का फिल्म लगा है, और तुम्हारा रूफ रैप हुआ है, रूफ रैप मैट ब्लैक हुआ है, क्योंकि वो जो कस्टमर है उनका थोड़ा वो इश्यूज हो रहा है कि ऊपर से बहुत बट ड्रॉपिंग से ऑल हो रहा है, तो कलर का ऊपर का पार्ट थोड़ा वो डैमेज हो रहा है, तो आई सजेस्टेड हिम टू गो फॉर अ PPF रूफ वाला। सो उतना बजट नहीं था, इसलिए वी हैव डन एवरी ट्रेडिशन डाई पेस्टिंग फॉर रूफ रैप मैट ब्लैक। अच्छा, और मैं अगर रूफ रैप के बारे में बात करूं, मतलब कितना प्राइस होता है नॉर्मली अगर कोई रूफ? ये गाड़ी के लिए, छोटा गाड़ी के लिए रूफ रैप 3000 तक हो जाता है, ये 500 रुपए एक्स्ट्रा क्योंकि इसमें सनरूफ है। अच्छा, मतलब उसको कटिंग करने के लिए थोड़ा सा झंझट होता है, लेवर चार्ज ज्यादा लगता है। अच्छा, लाइट किसका लगा है, लाइट और फॉग लाइट? लाइट और फॉग लाइट तुम्हारा मोटोनिट्स का है। मोटोनिट्स का कितना वाट का होता है? 150 वाट का 2000 रिप्लेसमेंट लाइट। अच्छा, तो यहाँ पर है शायद मोटोनिट्स, हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो ये इंस्टॉल हुआ है। सो इसका हेडलाइट तो H4 है, हेडलाइट H4 है, और नीचे वाला तुम्हारा HB4 है। HB4 वो अवेलेबल होता है, 9056 जो बोलते हैं, 9056। अच्छा, सो ये तो काम हुआ है, और बाद में कुछ काम होगा क्या गाड़ी में? हाँ, इसमें वो तुम्हारे इसमें डॉक्टर आर्टेक्स नैनो का डबल शीट डैम्पिंग भी हुआ है। अच्छा, वो पर शीट कितना आता है? और डॉक्टर आर्टेक्स से थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, वो तुम्हारा 1200 करके पर शीट पड़ता है, 1200 करके पर शीट। और इस गाड़ी ये जो मॉडल है हम इंस्टॉल के, ये कस्टमर के लिए नैनो वाला। अच्छा, ये 1500 करके है पर शीट। अच्छा, ये मतलब नैनो, उसमें क्या दो वेरिएंट आता है? वेरिएंट से इरिडियम है, इरिडियम ज्यादा एक्सपेंसिव आता है, फिर आता है नैनो, फिर आता है नॉट डॉक्टर आर्टेक्स का नॉर्मल वाला। अच्छा, ये नैनो वाला है, और नॉर्मल वाला 1200 होता है, 1000 to 1200 होता है। अच्छा, इरिडियम वाला? इरिडियम वाला 1800 उसको थोड़ा मोटा होता है वो, क्या वो बहुत मोटा है, बहुत बढ़िया है डैम्पिंग के लिए। हाँ, और मार्केट में पूरा गायब हो गया था, 1 ईयर हो गया, तो डॉक्टर्स का माल हम लोग असेंबल नहीं कर पा रहे थे, अभी आई गॉट अ लीड, सो आई एम ब्रिंगिंग द पूरा पेटी है डॉक्टर आर्टिक्स का अभी। आप देख सकते हो वहाँ पर। सो दैट इज देयर जो मॉडल और तुम्हारा सिटी के ये सब आते हैं 850 करके 900। सो अगर आप मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव जाना चाहते हो क्वालिटी अच्छा में, देन तो डॉक्टर आर्टिक्स इज बेस्ट। इनका गाड़ी में भी ऑडियो सेटअप होगा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन होगा वो ऑडियो ही होगा। अच्छा, मॉडल MK3 लगेगा इसमें। अच्छा, सो दैट इज ऑल्सो मतलब वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बट बजट रेंज में वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, बजट रेंज में, बिकॉज ऑब्वियसली गाइज ये N6 वेरिएंट है, आप लोगों को पता है इसमें बोस का सिस्टम नहीं आता है, सो ऑब्वियसली यू कैन अपग्रेड। सो गाइज चंदोचूर के साथ थोड़ा तो अभी हम लोगों ने समरी ले लिया, और अभी भाई थोड़ा बता दो कि तुम्हारा शॉप का एड्रेस और नंबर। सो है आवर शॉप इज लोकेटेड एट 87 संतोषपुर एवेन्यू, ऑपोजिट टू बावर्ची, जो भी बंद हो गया है बिकॉज़ ऑफ कारोमेटिक, आई डोंट नो व्हाई। सो ऑपोजिट टू बावर्ची, माय कांटेक्ट नंबर इज 9051461118। अच्छा, सो कांटेक्ट नंबर गाइस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, एंड यहां पर आप देख सकते हो कारोमेटिक पे पूरा माल भर भर के है। सो यहां पर आपका स्पीकर्स है, यहां पर आपका एंड्रॉइड है सब, नीचे आपका लाइट देख सकते हो, ऊपर आपका सब ये फॉग लाइट का सेटअप है, यहाँ पर आपका स्पीकर है। सो भाई आपको जो जो चाहिए कारोमेटिक
पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। थोड़ा कुछ कुछ चीजें आपको प्रीवियस में थोड़ा पहले ऑर्डर करना पड़ता है, बट वो भी चंदोचूर आपको अवेलेबल करवा देंगे। सब वो सीट कवर्स जो है, अभी तुमको एक में लास्ट में एक सीट कवर दिखाऊंगा जो ओईएम अभी आ रहा है हम लोग। अच्छा, नया लाया है, सिलीगुड़ी से आता है। अच्छा अच्छा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कस्टमाइज्ड सीट कवर, मैक्वेल बोल के कंपनी का आता है। तुम वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकती ये डॉल्फिन है कि नहीं। बहुत सेम टू सेम मीटर है। तुम्हारे सामने एक कार में शायद हम फिटिंग किया था 1700 में, बहुत अच्छा फिटिंग हुआ था। वो डिजाइन अभी स्टॉक में आया है, 300 का एक आइटम है उसका। वो इसका भी वीडियो आएगा गाइस, आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। वो दो गाड़ी का वीडियो आएगा और मैं लास्ट में ये वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हारे चेकआउट करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, कैसा है तुम्हारा सीट कवर का। सो गाइस, दिस वाज चंद्रचूड़ फॉर यू, और मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी चलते हैं गाड़ी पे और गाड़ी पे क्या क्या काम हुआ है और फिनिशिंग कैसा हुआ है मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो गाइज, राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस, ये है द N6 वेरिएंट ऑफ द न्यू फेसलिफ्टेड N-Line। अभी फेसलिफ्टेड आपको कैसा पता चलेगा, ये हब देख सकते हो, लोगो चेंज हो गया एंड यू गेट द न्यू ग्रिल ऑन द N-Line। सो चंदोचूड़ इज हियर विद अस, तो भाई सामने से थोड़ा बोल दो क्या क्या हुआ है इस गाड़ी में। सामने तुम्हारा जो बेसिक से वो नंबर प्लेट फ्रेम्स है। अच्छा, और पूरा तुम्हारा एलईडी लाइट सेटअप हुआ है। अच्छा, लाइट का थोड़ा रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं भाई, थोड़ा दिखा दो। अभी दिन का टाइम है गाइज, ज्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाएंगे, बट फिर भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ थोड़ा सा रिस्पॉन्स। तो फॉग लाइट भी चेंज हुआ है गाइस, फॉग लाइट में एलईडी इंस्टॉल हुआ है एंड हेडलाइट में भी एलईडी है एंड यहाँ पर अभी देख सकते हो। सो ये थोड़ा ब्लूइश लाइट है एंड हाई बीम दो भाई, आप देख सकते हो। अभी दिन का टाइम में आपको मैं क्या दिखाऊं, बट एनी वे एंड फॉग लाइट आप लोगों को पता है ऐसा ही आता है। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द हेडलाइट, प्योर व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा ब्लूइश टिंज है। अभी गाड़ी के साइड पर अगर हम लोग चले जाए गाइस, साइड पे जो स्पेशल हुआ है वो है फिल्म। सो फिल्म किसका है भाई? ये तुम्हारा लूमर का है। अच्छा, लूमर का है। कि ये कितना परसेंट विजिबिलिटी होता है? ये तुम्हारा 50% विजिबिलिटी है। अच्छा, और ये लूमर का बेसिक सीरीज है एकदम। अच्छा, इसका प्राइस कितना होता है? ये 3500 तक हो जाता है। 3500 मतलब ऑल फोर ग्लास एंड रियर ग्लास? हां, रियर ग्लास। अच्छा, और फ्रंट ही बैठा है क्या गाड़ी? नहीं, सामने कोई फिल्म नहीं, सामने कोई फिल्म नहीं है। यू कैन सी द लूमर ब्रांड, अगर आप लूमर लगा रहे हो देन दिस इज द ब्रांडिंग यू शुड ऑलवेज चेक। फिल्म फिल्म में भी तुम्हारा लूमर का लोगो है। और यहाँ पर भी अभी आपको दिखा देता हूँ, लोगो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो एज यू कैन सी लूमर का आपको यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, सो दैट इज गुड। सो कमिंग टू द रियर पार्ट गाइस, रियर में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है इस गाड़ी में, मतलब सिंपल ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। एंड अभी इंटीरियर के बारे में, ये तो कंपनी से उन्होंने इंस्टॉल किया है, डोर गार्ड इंस्टॉल हुआ है इसमें, डोर गार्ड। एंड ये कलर में ये सूट भी कर रहा है। नॉर्मली मतलब कौन सा कलर इसमें सूट करेगा? ये गाड़ी में तुम्हारा ब्लैक ग्रे टाइप जो आता है वो सूट करेगा। अच्छा, ब्लैक रेड सूट करेगा। अच्छा, सो एज यू कैन सी ये इंस्टॉल हुआ है, काफी बेसिक एक्सेसरीज है। और तुम्हारा एक चीज हुआ है कि इसमें जो रूफ है ये तुम्हारा एवरी टेनिसन का हाई पेस्टिंग मटेरियल का ब्लैक मैट रैप हुआ है। अच्छा, सो दैट जो बट ड्रॉपिंग से वो सब तुम्हारा ओरिजिनल जो कलर प्रिंट है उसको थोड़ा सेफ रखता है और हीट से भी थोड़ा रेजिस्ट करता है ये सब रैप पेपर। अच्छा, सो गाइस मैं एक चीज बोलूंगा, मतलब एकदम OEM लग रहा है गाइस, एज यू कैन सी फिटिंग हैज बीन डन रियली वेल, मतलब जो पेस्टिंग हुआ है एंड यहां पर दिखा दो। हां, एज टू एज आप देख सकते हो यहां पर, एज यू कैन सी कोई भी मतलब आपको लगेगा कि ये कंपनी से ही है। एंड यहां पर आप देख सकते हो यहां पर भी कटिंग एकदम अच्छे से हुआ है। नॉर्मली जो सनरूफ होता है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है शायद, थोड़ा थोड़ा कटिंग में मिस भी हुआ तो वो बहुत मिस्ड अप लगेगा। तो एज यू कैन सी यहां पर इट हैज बीन डन रियली रियली वेल, बट इसका जो मेन चीज है वो है एम्बियंट लाइट। एम्बियंट लाइट अभी हम लोग अंदर जाएंगे गाइस, एम्बियंट लाइट का मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले दरवाजा का मैं आपको फिनिशिंग दिखा देता हूँ। सो ये कुछ फिनिशिंग है गाइस, आप देख सकते हो। सो यहाँ पर हुआ है ऑन द फ्रंट टू डोर्स एंड रियर डोर में अगर हम लोग देखेंगे गाइस, रियर डोर में यहाँ पर हुआ है। अभी चंद्रचूड़ के गाड़ी में तो दूसरा कहीं जगह पे हुआ था, विच ही इज नॉट हैप्पी विथ, ठीक है। बट इस गाड़ी में अगर आप N-Line में एम्बियंट लाइट लगा रहे हो देन यहाँ पर आप प्लेस कीजिए, लुक थोड़ा अच्छा आता है। और इसमें तुम्हारा टू लेयर्स करके डॉक्टर आर्टेक्स का नैनो कोटिंग डैम्पिंग हुआ है। अच्छा, टू लेयर्स करके, सो एक बार चेक आउट द वेट ऑफ द कार, एक बार वेट देख लेते हैं गाइस। सो हां, काफी भारी हो गया है, मतलब आपको थर्ड अच्छे से सुनाई देगा। सो या इट्स प्रीटी गुड। सो भाई अभी चलो गाड़ी के अंदर, अंदर में आपको एम्बियंट लाइट का एक बार फिनिशिंग दिखा देता हूं। इस पार्ट का जो एम्बियंट लाइट आप देख सकते हो प्लेस्ड ओवर हियर, सो काफी काफी अच्छा फिनिशिंग हुआ है। एंड ये ऑब्वियसली भाई आप लोगों को पता है लेदर एज सीट आता है N-Line में, सो कस्टमर ने यहाँ पर इसको टावल ही पहना है क्योंकि लेदर एज सीट के ऊपर कौन लेदर एज बैठाता है भाई। नीचे तुम्हारा 70 मैट्स है। एनीवे, सो नीचे 70 मैट्स आप देख सकते हो। सो ये कौन सा कंपनी का है भाई? ये तुम्हारा इधर ब्रांडिंग है, इतना सारा कंपनी आता हम भूल जाते हैं कौन सा कंपनी। एनीवे, सो डोर्स करते हैं बंद गाइस एंड आप इंटीरियर का एक बार लुक चेकआउट कर लीजिए। K4 है शायद? हाँ, K4 है। K3 और अवेलेबल नहीं है ना? है, बहुत रेयर मिलता है अभी। अच्छा, अवेलेबल, आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी इसका फंक्शन मतलब स्पेशलिटी क्या है? इसमें तुम्हारा फ्लोटिंग वाला स्टाइल आता है। अच्छा, सो यहाँ पर आप देख सकते हो चंद्रचूड़ के पास फोन है, ये ऑटो प्ले है, ये मैजिक फॉरवर्ड है, ये मैजिक बैक है,
अच्छा ये यहाँ पर तुम्हारा उसकी कलर सबसे, एनर्जी है, ये देखो अच्छा चेक ये आउट, फ्लोटिंग, ये तो भाई K4 का एकदम एक मतलब कलर जंप। हाईलाइट है। हाँ और गाने के साथ बहुत ये सब में भी तो चेंज बहुत होता है, बहुत मोड्स है, बहुत बहुत टोटल मोड्स पकड़ है। लो ना 80-90 का ना मोड्स है इसमें। अच्छा, और इसके ऊपर वाला क्या मॉडल आता है, K5 K6, उसमें क्या डिफरेंस है? वो तुम्हारा इधर OEM फिटिंग होता है ज्यादा, स्कोडा ऑक्टेविया ऑक्टेविया में आता है, अच्छा दो तुम्हारा छोटा छोटा स्क्रूज करना होता है और अच्छा पीछे से वो फिटिंग होता है, वो ऐसा लोहा का एक पट्टे होता है उसके नीचे एम्बर ऐसा करके ड्रॉप होता है, ये सब पैनल अच्छा में घुसाना नहीं पड़ता उसको। अच्छा उसमें थोड़ा झंझट कम है, हाँ तो दैट झंझट इज कम गुड। है पर उसको एक्सपेंसिव आता है, वो अच्छा वो थर्टीन कितना, फोर्टीन मतलब थाउजेंड पकड़ लो, 13-14 thousand? और इसका क्या प्राइस होता है भाई? ये तुम्हारा डिपेंड करता है, ये मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता वीडियो अच्छा में अच्छा क्योंकि बहुत शॉप्स बहुत रेट्स लेता है। अच्छा सो आप कारोमेटिक पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको प्राइस हाँ पता क्योंकि चल जाएगा। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द ओरिजिनल कार्ड ही, क्योंकि इसमें तुम्हारा 1 ईयर का वारंटी है, बहुत सारा अच्छा शॉप कम प्राइस देता फेक है फेक, वो फेक कार्ड ही देता है, फिर कोई वारंटी नहीं आता है, अच्छा तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग का, क्योंकि अच्छा बहुत सारा एमबेल के कॉल आता है आप बहुत एक्सपेंसिव ले रहे हो, कि हाँ एक्सपेंसिव हाँ चीज हाँ है भाई ये, वो जब तो है फिटिंग भी यार, बहुत डिफिकल्ट इसमें होता है फिटिंग भी तो आता और है। एक साल का वारंटी है, कोई हाँ कोई हाँ चाइनीज चीज में तो क्यों वारंटी क्यों देगा कोई। अच्छा ये तो है भाई। तो आप यहाँ पर थोड़ा लुक चेकआउट कर लीजिए भाई, दरवाजा का भी लुक चेकआउट कर लीजिए, मैं पीछे का भी आपको अभी दिखा देता हूँ। सो लेट्स गो टू द बैक एंड आई विल शो इट टू यू गाइस। सो पीछे भी आप देख लीजिए गाइस, सो यहाँ पर ये है एंड उस तरफ का लुक कुछ ऐसा है। सो एमए लाइट का सेटअप आपको कैसा लगा गाइस, मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आपके पास इनलाइन है देन तो भाई आप कारोमेटिक पे जरूर आ सकते हो, आप चंद्रचूड़ के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। सो गाइज दिस इज दी i20 N-Line फॉर यू, जिसमें बहुत ही छोटा मोटा मॉडिफिकेशन मतलब एस्थेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है। अभी इसके ऊपर भी बहुत सारा काम होगा इस गाड़ी में, तो आप मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या काम नेक्स्ट होने वाला है। सो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एंड अगर आपके पास N-Line है देन कारोमेटिक पर जरूर आइए, कारोमेटिक का लिंक एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं मिलूंगा आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन।